हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ क्यूब ऑफ 50 मिलीमीटर साइड। तो पहले आपको बता दिया जाए कि आइसोमेट्रिक व्यू जब कभी पूछता है तो हमको ट्रू डायमेंशंस लेनी होती है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में शॉर्टर व्यू लेने होते हैं। वो शॉर्टर व्यू कैसे ड्रॉ करेंगे हम आगे देखते हैं। पहले आइसोमेट्रिक व्यू सॉल्व किया जाए। आइसोमेट्रिक व्यू जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक छोटी सी स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन ले ड्रॉ करने के बाद दोनों डायरेक्शन में उस हॉरिजॉन्टल के अबाउट 30 डिग्री के एंगल्स ड्रॉ कर देने हैं। इसका मतलब ये होता है कि इंटरमीडिएट ये एंगल 120 डिग्री का हो गया। ये एंगल्स मेंशन करने नेसेसरी नहीं है, आपको एक्सप्लेन करने के लिए इस समय हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो चलिए हम ड्रॉ करने फर्दर ड्रॉ करते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं एंड अब 50 मिलीमीटर डायमेंशंस विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर हम सभी डायरेक्शंस पे मार्क कर देते हैं। तीनों लाइंस के ऊपर हम 50 मिलीमीटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। Then, अगला स्टेप है ड्राफ्टर को इस लाइन के पैरल रखते हुए यहां से हम लाइन ड्रॉ करते हैं इक्वल टू दिस लेंथ। ठीक है, अब अगला स्टेप है सिमिलरली इसके पैरल ड्राफ्टर को सेट करते हुए यहां से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहां से भी ड्रॉ कर दिया। अब ड्राफ्टर को इस लाइन के पैरेलल सेट करते हुए हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके से हमने ये देखा कि एक क्यूब जब हम थ्री डायमेंशंस उसकी एक साथ देखते हैं तो वो कैसा दिखता है। आइसोमेट्रिक व्यू में जैसा कि आपको मालूम है कि हमने डायमेंशंस ट्रू डायमेंशंस ली हैं और जब ट्रू डायमेंशंस ली हैं तो इसकी डायमेंशनिंग किस तरह से करनी है वो भी देख लीजिए। यहां हम लिखते हैं SQ50 लिखने का मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो फेस है वो स्क्वायर है। अगर ये फेस स्क्वायर है तो सिमिलरली नीचे का भी फेस स्क्वायर होगा। तो ये फेसेस भी दिखा दिए जाए तो यहां से पीछे हिडन लाइंस होंगी ये जो लाइंस है ये हिडन लाइंस। ये जब 50 मिलीमीटर की आपने लाइन ड्रॉप करके देखी है अब इससे आपको ये क्लियर हो रहा है कि नीचे वाला फेस भी 50 मिलीमीटर का है, ऊपर का भी फेस 50 का है, ये फेस भी इसके जितने भी 6 फेसेस हैं सारे के सारे 50 मिलीमीटर लेंथ के हैं। अब अगर आपको इस फिगर का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर स्केल ड्रॉ करना होगा। स्केल ड्रॉ करने के लिए आप सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक 30 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं और एक 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करते हैं। इस 30 डिग्री की लाइन को हम आइसो स्केल नेमिंग कर देते हैं यानी कि आइसोमेट्रिक लेंथ यहां से मिलेगी हमको और ये ट्रू स्केल है। ये एंगल 30 डिग्री और ये एंगल 45 डिग्री। अब आपको जो अगला स्टेप परफॉर्म करना है वो ये है कि ट्रू स्केल के ऊपर ड्राफ्टर से 10-10 मिलीमीटर के पॉइंट्स मार्क कर देंगे आप। ठीक है, अब ये पॉइंट्स की नेमिंग ऐसे की जाएगी 20, 30, 40, 50।
तो अब हम अगला स्टेप जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ये है कि ड्राफ्टर को इस तरह से इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल सेक्टर के टाइट करके यहां से लाइंस ड्रॉ करनी है। कहां से? ये जो पॉइंट्स ऊपर मिले हैं वहां से नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल के अबाउट वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए लाइंस, और जहां भी वो उस इंक्लाइंड लाइन को कट करेगी वहां पर हमको मिल जाएगा आइसोमेट्रिक स्केल, आइसोमेट्रिक लेंथ ऐसे ऑब्टेन की जाती है। अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस आपको ड्रॉ करने के लिए कहे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, यहां पर सिमिलरली मेथड वही रहेगा, सिर्फ डायमेंशंस पे चेंजेस आने वाले हैं। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इस द एंगल से 30 डिग्री एंड 30 डिग्री ही रहेगा। अगला स्टेप ये है कि आपको यहां से 50 मिलीमीटर का क्यूब बनाने के लिए आ गया, तो आप वो लेंथ यहां से पिक कर रहे हैं। जब आप वहां से लेंथ पिक कर रहे हैं और उसको यहां प्लॉट करेंगे यहां से लेंथ पिक करनी है, यहां प्लॉट कर दी, यहां से फिर लेंथ प्लॉट किया, आपको ये दोनों लेंथ यहां प्लॉट करने के बाद नीचे भी वही लेंथ प्लॉट करनी है, और प्लॉट करने के बाद आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हुए क्यूब की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। ये आपकी कंस्ट्रक्शन आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के लिए कंप्लीट हुई। सिमिलरली हिडन लाइंस यहां पे भी रहेंगी, तो इस तरह से आप ये देख रहे हैं कि क्यूब जो है वो ड्रॉ हो गया। अब इसकी डायमेंशन यहां पे भी वैसे ही एस क्यूब 50। तो इस फिगर का और इस फिगर में डिफरेंस यही है कि इस फिगर में टू डायमेंशंस यूज की गई हैं, टू स्केल की, और यहां पर आइसोमेट्रिक स्केल की डायमेंशंस ली गई हैं। तो इस तरह से ये कोई भी हमको क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में और हमसे कहा जाए कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, तो हम इस स्केल को पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद फिगर ड्रॉ होगा, बिकॉज आपको लेंथ यहाँ से ही मिलेगी उसकी। और आइसोमेट्रिक व्यू कहा जाए तो डायरेक्टली हम ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं और डायमेंशन प्लॉट कर सकते हैं। होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हुआ होगा, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं, वहां आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।